मैं संगवारी खबरिया से मन कुमार यादव। आज मैं तुम्हारा लखनपुर ब्लॉक के गोरिया पीपल गांव में ले चलत हूँ, जहाँ पिए के पानी के बहुत समस्या होत है। ये गांव दसवां वार्ड में एक ठे भी हैंडपम्प नहीं है। तीन जग तो खनाई होए रहीस, लेकिन पानी नहीं मिल पावत है। ओकरे कारण गांव वाला मन नारवा कर और पखना के बीच से निकलत पानी ला पीत हैं। यही पानी ला खाना बनाए बर और बाकी काम बर इस्तेमाल करते हैं। आवाज आना थी कि नरवा के पानी ला पिए ले का परेशानी होत है। ये गांव बोरिंग वोरिंग है कि नहीं? नहीं है। तो तुमन कहाँ का पानी पीता? नाला का पानी पीता। उमे तुमन ला का परेशानी है? का परेशानी? बुखार लेते लड़का छे बोला, सर्दी खांसी पकड़ ही सब कोई ला। अभी तो बनाते है झूरती ना है तो नाला का पानी खरी पाते है। जो समय में बरसात गिर जाए लो समय में बाढ़ आते तो वही पानी ला हमके पीना पड़ते। वही पानी का जरियन से हमन ला रोग नहीं छूटे, कुछ न कुछ रोग होते रहते। तो एकर वजह से लड़का मन में का प्रभाव पड़ते है? एकर वजह से लड़का मन जब परीक्षा हो रहते तो परीक्षा दे नहीं जा पाते हैं, फिर स्कूल नहीं जा पाते हैं बीमारी की वजह से, कभी कभी परीक्षा भी नहीं दे पाते हैं। सरगुजा अंबिकापुर कर बच्चा विशेषज्ञ से ये विषय ले जानकारी पाए। और जो जमीन के अंदर से जैसे हैंडपम्प का पानी हो गया है ना, और कुएं का पानी हो गया, ये ज़्यादा सुरक्षित रहता है। ये जो नाले का पानी बहता हुआ पानी ये दूषित रहता है, और इस पानी को पीने से बच्चे को उल्टी दस्त की बीमारी, टाइफाइड और पीलिया की बीमारी होती है। ये गांव का सरपंच के मन का बात जानती। हैंडपम्प 18 से 17 है तो 10-12 फुट में पानी है। इसमें तो ग्राम सभा पारित करते हैं, लिख कुन देते हैं, समस्या भाई बहुत होने से वो अलग शासन तरफ से। हमर जानकारी के अनुसार साफ पानी नहीं मिले के कारण भारत में रोज 800 लड़का मन के मौत हो जाते। जल ही जीवन है। अपने क्षेत्र से जुड़ी खबरों के संबंध में किसी भी तरह की अतिरिक्त जानकारी अथवा सूचना हमें अवश्य दें। हमारा नंबर है 8435300106 और 8358902305।